को दिखाएंगे पीएम का संबोधन जो कि इस वक्त है करौली में। मचकुंड धाम की, बाबू महाराज धाम की, रैना वाली माता की, भक्त प्रहलाद की पावन नगरी, राजा मोरध्वज, राणा सांगा की ये कर्म भूमि, पवित्र भूमि मैं शत शत नमन करता हूं। करौली और धौलपुर के मन में क्या है ये आपका जोश ही दिखा रहा है। मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि आप चुनाव सभा में आए हो कि विजय सभा में आए हो। ये दूर दूर तक लोग वहां टीले पर खड़े हैं, उनको भी सुनाई देता होगा। करौली और धौलपुर जादूगर को साफ साफ संदेशा दे रहा है। तीन दिसंबर जादूगर ही छू मंतर, 3 दिसंबर कांग्रेस ही छू मंतर। मेरे परिवारजनों, आज यहां करौली के लोगों को, राजस्थान के लोगों को कांग्रेस के पंजे से सावधान करने के लिए आया हूं। वैसे कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने खुद ने इस बात को स्वीकार की थी, सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव में जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। ये उनके एक प्रधानमंत्री ने कहा था और वो तब कहा था जब पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक कांग्रेस का ही राज था और कोई नहीं था। तब उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है 15 पैसा पहुंचता है, मतलब 85 पैसा गायब हो जाता है ना, 85 पैसा गायब हो जाता है कि नहीं हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूं वो कौन सा पंजा था जो रुपये के 15 पैसे कर देता था। कांग्रेस के इस पंजे ने राजस्थान के लोगों को त्रस्त कर दिया है, इसलिए जनता ने भी ठान लिया है कि अब कांग्रेस को वापस नहीं आने देना है। मेरी बात सही है? मेरी बात सही है? कांग्रेस का जाना तय है, विदाई पक्की। हमारे कांग्रेस के जादूगर साहब अब कुछ ही दिनों के लिए सीएम की कुर्सी पर है। साथियों, राज्य में कानून का राज हो ये हर राज्य की पहली जिम्मेदारी होती है। जब से यहां कांग्रेस की सरकार बनी है तब से राजस्थान में हर तीज त्योहार के दौरान दंगे होते रहे हैं। एक तरह से हर वर्ष राजस्थान में कोई न कोई बड़ा दंगा राजस्थान में जरूर हुआ है। मैं छोटे छोटे दंगों की बात नहीं कर रहा हूं,
मैं बड़े बड़े दंगों की बात करता हूं, जिस दंगों ने देश को चौंका दिया। अक्टूबर 2019 में टोंक में बड़ा दंगा, 2020 में डूंगरपुर में बड़ा दंगा, 2021 में झालावाड़ और बारा में दो बड़े दंगे, और 2022 में फिर कांग्रेस ने जोधपुर और करौली को दंगों की आग में झोंक दिया। पिछले साल नववर्ष की शोभा यात्रा के दौरान करौली में जो कुछ हुआ, क्या आप लोग उसको भूल सकते हैं क्या? जरा माताएं बहनें बताएं, क्या इसको भूल सकते हैं क्या? जरा उस तरफ जो लोग दूर दूर बैठे बताएं, भूल सकते हैं क्या? क्या इसे भूल सकते हैं क्या? आप सब लोग बताइए, क्या इसको भूल सकते हैं क्या? यहां पत्थरबाजी में कितने ही लोग लहूलुहान हो गए, घायल हो गए, कितनों का व्यापार कारोबार चौपट हो गया। कहीं परशुराम जयंती पर हमला, कहीं नववर्ष की शोभा यात्रा पर हमला, कभी दशहरे के जुलूस पर हमला। ये इस हमले क्यों रुकते नहीं है भाई? ये हमले इसलिए नहीं रुकते हैं क्योंकि दंगों के आरोपी मुख्यमंत्री के आवास पर दावत करते हैं। ये अपराधियों को दावत दे, क्या वो कांग्रेस आपकी रक्षा कर सकती है? आपकी रक्षा कर सकती है? जरा मुझे बताइए, रक्षा कर सकती है? भाइयों बहनों, आपके पास बंगला हो, गाड़ी हो, खेत हो, खलिहान हो, हर प्रकार की सुख सुविधा हो, कोई कमी ना हो जिंदगी में, लेकिन जवान बेटा जवान बेटी शाम को घर न लौटे और उनका डेड बॉडी अगर घर आ जाए तो रुपये किस काम के? वो बंगला किस काम का? वो खेत खलिहान, वो गाड़ियां किस काम की? अगर आपको रक्षा नहीं मिलती है, अगर आपका जीवन सुरक्षित नहीं है, बेटा बाहर जाए तो शाम को लौटेगा कि नहीं लौटेगा, इसका मां बाप को तनाव हो तो उन रुपयों को क्या करोगे दोस्तों? और इसलिए शांति और सुरक्षा राजस्थान के विकास के लिए बहुत जरूरी है। क्या कांग्रेस आपको सुरक्षा दे सकती है? दे सकती है। साथियों, हमारे यहां राजस्थान ये महिलाओं की मान मर्यादा के लिए मर मिटने वालों की धरती है, लेकिन जब कानून का भय नहीं रहता तब सबसे ज्यादा नुकसान हमारी माताओं को, बहनों को, बेटियों को उठाना पड़ता है। और यही राजस्थान के हर कोने में हुआ है। मंडरायल हो, मोहनपुरा हो या नादोती, ये याद है कि भूल गए? साथियों, ये घटनाएं जब याद आती है ना, तो किसी भी
समझदार व्यक्ति का सिर शर्म से झुक जाता है। यहां पास के चाकसू और नागौर के लाडनू में जो हुआ है वो दिल दहलाने वाला है। यहां की कांग्रेस सरकार ने अपराधियों पर कार्रवाई के बजाय उन्हें अपराध की खुली छूट दे रखी है। यहां के मुख्यमंत्री, मुझे तो दुख होता है मेरे राजस्थान के भाइयों बहनों, ऐसा मुख्यमंत्री आप कहां से लाए हो? मेरी माताएं बहनें, आपको पता है ये आपके मुख्यमंत्री ने आपको क्या कहा है? आप सुनोगे ना तो आपको भी गुस्सा आसमान पर पहुंच जाएगा। ये मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजस्थान में महिलाएं झूठ बोलती हैं, झूठे केस दर्ज कराती हैं। क्या मेरे राजस्थान की माताएं बहनें ऐसा कर सकती हैं? क्या कभी कर सकती है? क्या कोई माँ बहन पुलिस थाने में जाकर के ये कहेगी कि मेरे चरित्र का हनन हुआ है, वो झूठी बात करने जाएगी? ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री, आपके मुंह से ऐसी बात निकली कैसे? यहां के मुख्यमंत्री और उनके एक साथी, उनके पक्के दरबारी, वो तो यहां के हर पुरुष को कलंकित करने के बयान देते हैं। मुझे बताइए, क्या कभी भी कोई समाज किसी बलात्कारी को मर्द कह सकता है क्या? सबके सब मुझे जवाब दीजिए, क्या किसी बलात्कारी को कोई मर्द कह सकता है क्या? क्या किसी महिला के साथ बदतमीजी करने वाले में किसी को मर्दानगी दिखती है क्या? मुख्यमंत्री जी के दरबारी सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि तुम मर्दों की भूमि है, बलात्कार होना बहुत स्वाभाविक है। क्या ये मर्दों का अपमान है कि नहीं है? ये मर्दों का अपमान है कि नहीं है? क्या अरे हमारे राजस्थान के मर्द बहन बेटी की इज्जत के लिए अपना सर कटवा देने वाले लोग होते हैं, उनकी मर्दानगी पर इस प्रकार का आरोप कांग्रेस लगाए? मैं आज राजस्थान को भरोसा देता हूं, भाजपा सरकार महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। मेरे परिवारजनों, जयपुर के जादूगर और दिल्ली के बाजीगर, ये कांग्रेस के दो खेमे, दोनों ही झूठ बोलने में उस्ताद है। आप याद कीजिए, कांग्रेस ने 5 साल पहले 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। 5 साल हो गए, इस झूठे वादे के चक्कर में हजारों किसानों की जमीन नीलाम हो गई। यही कांग्रेस ने नकली बीज के माफिया को भी बढ़ावा दिया, इससे भी हजारों किसानों की फसल बर्बाद हुई, वो कर्ज के जाल में फंस गए। कांग्रेस ने कहा था कि हर जिले में किसान भवन बनाएंगे, किसान भवन तो क्या बनेंगे, कांग्रेस